नमस्कार, मैं बॉबी झा, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं राजनीति की खास खबर। पीएम मोदी अक्षय इंटरव्यू, ट्विटर यूजर्स ने किया ट्रोल, पूछा ओबामा अंग्रेजी में मोदी को तू कैसे कहते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार को एक इंटरव्यू दिया है। देश के सभी समाचार चैनलों पर दिखाया गया। प्रधानमंत्री आवास पर हुए इस इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने नरेंद्र मोदी से उनकी दिनचर्या, खान पान की आदतों, पसंद और बचपन के किस्सों के अलावा कई सवाल पूछे। सोशल मीडिया पर यह इंटरव्यू ट्रेंड कर रहा है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इंटरव्यू से जुड़ी कुछ बातों पर मजेदार कमेंट भी आ रहे हैं। वहीं कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं। इसी इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पीएम मोदी अपने उस बात के लिए हो रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा उनको दोस्ती की वजह से तू कहकर बुलाते थे। मोदी के द्वारा बराक ओबामा को लेकर कही गई इस बात को लेकर सोशल मीडिया में लोग चुटकी ले रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर लोग पूछ रहे हैं कि मोदी को तू कहने के लिए या तो बराक ओबामा को हिंदी सीखनी पड़ेगी या फिर मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब मोदी ने पहली बार बराक ओबामा से मुलाकात की तो इतनी अनौपचारिक मुलाकात कैसे हो गई कि उन्होंने एक देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को तू कहकर संबोधित कर दिया है। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं 7 किलोमीटर लंबा रोड शो। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों के मतदान के बाद अब फिर से नजर आखिरी 4 चरणों पर टिक गई है। इस बीच प्रधान नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए गुरुवार और शुक्रवार को वाराणसी में होंगे। पीएम मोदी गुरुवार को वाराणसी में एक रोड शो करेंगे और फिर शाम को गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। यह रोड शो लंका चौराहे स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रतिमा स्थल से शुरू होगी और दशाश्वमेध घाट पर खत्म होगी। इस रोड शो के दौरान करीब 7 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पहुँचेंगे। पीएम मोदी 26 अप्रैल को बाबा काल भैरव के दर्शन के बाद नामांकन के लिए जाएंगे। पटना आते समय राहुल गांधी की फ्लाइट के इंजन में आई खराबी, लौटना पड़ा दिल्ली। लोकसभा चुनाव के 3 चरण के चुनाव के बाद अब 4 और चरणों की चुनाव बाकी है। 4थे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है। इस बीच पीएम मोदी आजकल वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद वह मध्य प्रदेश के सीधे और जबलपुर में रैली करेंगे। पीएम मोदी इसके बाद मुंबई भी जाएंगे। राहुल गांधी भी आज महाराष्ट्र में होंगे। तो MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।